नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों ये बात आपने सुनी होगी कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों ये बात 100% सत्य है, क्योंकि बाहर के काम जो होते हैं वो पुरुष संभालता है और घर के जो कार्य होते हैं उसे स्त्री को संभालना होता है। लेकिन दोस्तों आज की जनरेशन बदल गई है, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज हर एक स्त्री पुरुष के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ तरक्की भी प्राप्त कर रही है। दोस्तों लेकिन कुछ कार्य घर के ऐसे होते हैं जो स्त्री अगर करे तो उसकी कामयाबी में साथ में उसके पति कामयाबी में 4 चांद लग सकते हैं। घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्री ही संभालती है, जैसे घर में खाना बनाना। स्त्री घर के काम में खाना बनाने का काम स्त्री का होता है, और खाना बनाते समय स्त्रियों को, महिलाओं को कुछ बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो उपाय जो दिए गए हैं हम सब भूलते जा रहे हैं। दोस्तों जब भी घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि घर में जब रोटियां सेकते हैं तो रोटियां सेकते समय दोस्तों पहली रोटी और आखिरी रोटी घर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी है। दोस्तों हमारे ग्रंथों में कहा गया है पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। तो दोस्तों जब भी हो सके अगर आप गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक छोटा सा ये काम कर सकते हैं कि जब भी आप रोटी सेकने जाते हैं तो आप छोटी सी आटे की गोली बना के तवे में रख दें और फिर उस गोली को निकाल के अलग कर दें और उसके बाद में रोटियां सेकना शुरू करें। और दोस्तों इसी प्रकार जब आखिरी रोटी आप सेकते हैं तो आखिरी रोटी भी आपको किसी को नहीं देनी है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी में भी एक आटे की छोटी सी गोली तवे में रख के गर्म करके सेक के उसको अलग कर दें। ऐसा करने से इसका दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये कार्य करना बहुत ही जरूरी है कि पहली रोटी और आखिरी रोटी घर के किसी भी सदस्य को ना दी जाए। दोस्तों घर के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाएं ही संभाल पाती हैं, लेकिन ये कार्य करते समय भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जानकारी आगे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में जो खास उपाय, टोने टोटके, धन प्राप्ति के उपाय जो दिए गए हैं उन सब की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की जानकारी। दोस्तों घर की महिलाएं जब भी खाना बना करके फ्री हो जाती हैं उसके बाद में जब घर के सदस्यों को खाना सर्व करते हैं तो इस समय भी एक बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि दोस्तों जब भी घर की महिलाएं घर के सदस्यों को खाना सर्व करती हैं तो उन्हें ये ध्यान देना है कि जो खाना के जो बर्तन रखे हुए हैं वो गैस चूल्हे के ऊपर न रखे हों। दोस्तों गैस बंद हो तब भी उन बर्तनों को नीचे रख के सर्व करें, यानी कि जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर में बर्तन ना रखे हों। आप उस बर्तन को पहले नीचे उतार दें, उसके बाद में खाने को सर्व करना है। दोस्तों ऐसा ना करने से जो हमारे कार्य होते हैं उनमें विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, साथ ही साथ जिस कार्य को भी हम करना चाहते हैं उसमें उत्साह, उमंग, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, हमें उस काम को करने का मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि घर की महिलाएं इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी खाना बना के आप फ्री हो जाते हैं और घर के सदस्यों को खाना सर्व करते हैं तो आपको गैस चूल्हे के नीचे रख के, यानी कि गैस चूल्हे के ऊपर वो खाने का बर्तन ना रखा हो, ऐसे आपको सर्व करना है। तीसरी बात दोस्तों कि जब भी घर की महिलाएं रोटी सेकती हैं तो रोटी सेक के, वैसे रोटियों का ये नियम होता है कि सबको गर्म गर्म रोटी ही खाना अच्छा लगता है, लेकिन डायरेक्ट गैस से उतार करके डायरेक्ट रोटी सेक के और डायरेक्ट हमें सर्व नहीं करना है। पहले उस रोटी को किसी भी प्लेट में या थाली में 1 सेकंड के लिए निकाल के रख दें, फिर वहां से उठा करके सर्व करें। नहीं तो दोस्तों इसका भी दोष लगता है,
हर कार्य में बाधाएं आती हैं। दोस्तों ये नियम भी जरूर करें कि कभी भी रोटी सेक के उसे डायरेक्ट ही अपने घर के किसी भी सदस्य को सर्व ना करें। पहले उसे निकाल के किसी बर्तन में रख लें, उसके बाद उसको वहां से उठा करके सर्व करें। एक बात और दोस्तों, घर की महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जब भी बेल रोटी सेक के आप फ्री हो जाते हैं तो बेलन चकला को एक साथ में नहीं रखना है। यानी कि जो बेलन होता है, चकला होता है, उसके ऊपर में बेलन को आपको नहीं रखना है। दोनों को आपको अलग अलग रखना है। बेलन अलग रहेगा, चकला अलग रहेगा। साथ ही दोस्तों बेलन और चकले को अपने झूठे बर्तन के साथ में कभी भी साफ ना करें, क्योंकि लकड़ी जो होती है, बेलन चकला लकड़ी के होते हैं और इसमें अगर झूठे बर्तनों के साथ में साफ किया जाए तो इसका दोष लगता है। तो हमेशा बेलन चकला को अलग ही साफ करें और साथ ही साथ बेलन चकला को अलग ही रखें। दोनों को कभी एक के ऊपर एक ऐसे साथ में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर की समृद्धि सुख शांति भंग होती है और साथ ही साथ हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे तो इस कार्य को विशेष रूप से आप ध्यान पूर्वक करें। अब दोस्तों एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि किचन में यानी कि हमारी रसोई घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप जब भी रात में सोने लगते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि एक छोटी सी बाल्टी में आपको किचन में पानी भर के जरूर रखना है। साथ ही साथ गैस चूल्हे में कोई भी बर्तन गैस चूल्हे के ऊपर ना रखा हो। और दोस्तों कभी भी घर में गैस चूल्हे का उपवास नहीं करवाना है। उपवास से मतलब ये है कि कहा जाता है कि जब आपके घर में, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर सारा परिवार घर में खाना खाने के लिए, खाना घर में नहीं खा रहे हैं आप, सारा परिवार खाना खाने बाहर जा रहा है, तो दोस्तों आपको ऐसा ये नहीं करना है कि गैस चूल्हा उस दिन ना जले। यानी कि गैस में आपके घर में कुछ भी ना पका हो, मतलब आपको थोड़ा सा नेंग कर देना है। तो आपको इसलिए क्या करना है कि घर में गैस में थोड़ा सा दूध गर्म करें, उसमें थोड़े से चुटकी भर चावल डाल दें और चावल को गर्म करके उतार लें। तो इससे दोस्तों ये नेग हो जाता है कि आपके घर में आज चूल्हा जला है। क्योंकि दोस्तों चूल्हा ना जलना ये इस बात का प्रतीक करता है कि घर, इस बात का प्रतिनिधित्व करता है, घर में इतनी परेशानियां आ गई हैं कि आज घर में चूल्हा भी नहीं जला। तो दोस्तों ये चीज आपको कभी नहीं करनी है कि आपके घर में कभी चूल्हा ना जले। आपको हर दिन, अगर आप कहीं सब बाहर जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप घर में होते हुए भी घर में अगर चूल्हा नहीं जलाएंगे तो ये आपके घर में दरिद्रता का बहुत ही बड़ा आमंत्रण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कभी आपको ऐसा मौका आता है कि आपका पूरा परिवार घर से बाहर खाना खाने के लिए जाता है तो आपको घर आकर के या फिर जाने से पहले थोड़ा सा चूल्हा जला के नींग कर देना है। आपको थोड़े से दूध लेना है, 1 कप दूध कटोरी में डालें, उसमें थोड़ा सा चावल डाल के उसको गर्म करके पका लें। तो ये दोस्तों नींग हो जाता है कि हाँ घर में आज चूल्हा जला है, तो इससे इसका दोष भी खत्म हो जाता है और घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि रात में हमारे पूर्वज हमारे घर में, हमारी रसोई में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज जरूर करनी है, घर की महिलाओं को ये विशेष रूप से ध्यान पूर्वक करना है कि एक रोटी एक कटोरी में और 1 गिलास पानी जहां आपकी किचन है वहां पे आदर सम्मान के साथ में रात में रख देना है। दोस्तों जब रात में पूर्वज आते हैं और जब वो भोजन देखते हैं तो भोजन देख के उसे ग्रहण करके घर में आशीर्वाद दे के जाते हैं। दोस्तों पितृ दोष का होना भी, पूर्वजों का दोष होना भी घर में बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रण देता है। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है कि 1 रोटी और 1 गिलास पानी आदर के सम्मान के साथ में पूर्वजों के निमित्त जरूर निकाल के रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दाल पकाते हैं तो दाल पकाते हुए हम कुकर में दाल को सादी ही रख देते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी आपको दाल को सादी नहीं पकाना है। आपको थोड़ी सी कुकर में जब दाल आप पकाते हैं तो उसमें हल्दी आपको जरूर डालनी है। साथ ही साथ आप यदि जैसे कुछ ऐसे सब्जी बना रहे हैं, साग बना रहे हैं, जब भाजी हम बना किसी चीज की भाजी वगैरह हम बना रहे होते हैं तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं, उसमें हल्दी नहीं पड़ती है, हम हल्दी का यूज उसमें नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हल्दी के बिना कभी भी आपको कोई भी खाना या सब्जी आपको नहीं बनानी है। अगर आपको हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ी सी चुटकी हल्दी दाल में या भाजी में आप जरूर डालें, और ऐसी कोई भी सब्जी आप घर में ना बनाएं जिसके द्वारा हल्दी का उपयोग ना हो।
और एक खास बात दोस्तों दोस्तों कि कभी भी आप जब गर्म किसी भी चीज़ के लिए कुछ गर्म पानी होता है, जैसे कि आपने नूडल्स बनाया, नूडल्स को जब गर्म पानी होता है आप उसे डायरेक्ट सिंक में डाल देते हैं, तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जीवधारी होते हैं, कीटाणु होते हैं जो जीव जंतु कहलाते हैं, तो इनसे उनको कष्ट होता है जिसके कारण हमारे घर में परेशानियां आने लगती हैं। तो आप कभी भी डायरेक्ट गर्म पानी सिंक में ना डालें, गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर सिंक में डालें। दोस्तों ये छोटे छोटे से नियम हैं जो करने के बाद में, जिसे फॉलो करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सुख समृद्धि और शांति आ गई है। दोस्तों अगर उपाय अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने परिजन अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इससे और भी लोग इस बात का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।